चलिए पटना से बड़ी खबर ये, जहां विधानसभा के भीतर हुआ है जंग हंगामा, विपक्ष सत्ता पक्ष के बीच हाथापाई हुई है। दरअसल मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इसी दौरान जेडीयू के विधायक भी वेल में पहुंच गए और दोनों तरफ से जमकर हंगामा होने लगा। इसी दौरान कुछ विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। विधानसभा की कार्यवाही का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वेल में कुछ विधायक एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को आकर बीच बचाव करना पड़ा। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री राम सूरत राय के भाई के स्कूल से शराब मिली है और इसीलिए नीतीश कुमार उन्हें मंत्री पद से हटाएं। हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिहार विधानसभा की ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जमकर हंगामा हुआ सत्ता विधायकों और विपक्ष के विधायकों के बीच। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, सत्ता पक्ष के विधायक भी इसमें नजर आ रहे हैं आपको और साथ ही विपक्ष के विधायक भी, और जमकर धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई हुई है। पहले जो विधायक थे विपक्ष के वो वेल में जा पहुंचे थे और वहां पर जाकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जमकर हंगामा किया। नौबत इस कदर आ गई कि दोनों पक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। मामला शराब तस्करी का और उस मामले को लेकर मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा हुआ जेडीयू और आरजेडी विधायकों की तरफ से। हम सीधे रुक लेते पटना, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, ये नौबत क्यों आई, अब ये तस्वीर विधानसभा में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी और तेजस्वी यादव विपक्ष की ओर से उसकी खामियां बता रहे थे, सरकार की खामियां बता रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने शराब की चर्चा की और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि जो उन्होंने पहले कहा है और आज सुबह से कहते आ रहे हैं, जिसको लेकर वो विधानसभा से राजभवन तक गए, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि राम सूरत राय जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई के स्कूल में शराब मिली है और उनको इसको लेकर बर्खास्त करना चाहिए, और वो सरकार से लगातार यह मांग भी कर रहे हैं कि इस मंत्री को हटाया जाए। और जैसे ही उन्होंने ये बात कहा कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें कोई भी अगर गलत पाया जाए तो मंत्री को आकर इसकी सफाई देनी चाहिए सदन में, और इसी को लेकर जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि स्वास्थ्य विभाग का बजट है और उसी पर आज चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो बाद में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसी को लेकर टोकाटोकी में बात आगे बढ़ी और पहले जो विपक्ष के विधायक हैं वो बेल में आ गए, लगातार हंगामा करने लगे और इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गाली गलौज शुरू हो गया, जिसके बाद जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी बेल में आ गए और उसके बाद हाथापाई की नौबत आई, एक दूसरे पर हाथ उठाए। हालांकि जो मार्शल सदन के अंदर मौजूद थे वो वहां पर पहुंचे और फिर उनको रोकने की कोशिश की गई, दोनों तरफ से दोनों विधायकों को हटाया गया। लेकिन जिस तरह से सदन में आज सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में यह नौबत आई और हाथापाई जैसी नौबत आ गई, ऐसे में समझा जा सकता है कि जो माननीय कहे जाते हैं जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता की समस्या को लेकर सदन में पहुंचते हैं, लेकिन आज सदन में गाली गलौज हुआ। एक दूसरे के ऊपर राम सूरत राय ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। राम सूरत राय के मुताबिक जिस जगह से शराब बरामद की गई है वो उनके भाई की जगह है और इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। हमसे जवाब चाहते हैं तो हमको तो कहीं लगता नहीं कि कोई विषय है, तो जवाब भी दे चुके हैं। जवाब उन्होंने ये दिया है, पहले तो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय के परिसर से शराब बरामदी हुई है, जो सरासर निराधार और झूठ था। फिर उन्होंने कल कहा कि उनके भाई के विद्यालय से हुआ है, फिर कहते हैं कि पिताजी के नाम से है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी उसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं। चंद्रमोहन, राम सूरत राय तो इन सभी आरोपों से नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम आरोप झूठे और उस पर तो मैं जवाब भी दे चुका हूं।
बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव के आरोप के बाद आज 3 बजे के करीब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रामसूरत राय ने साफ तौर पर यह कहा कि 2011 और 12 में उनके और उनके भाई के बीच में बंटवारा हो चुका है। उससे पहले 2006 में उनके पिता ने मौखिक बंटवारा किया था और उसके बाद 2011 में रजिस्टर्ड बंटवारा हुआ और भाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस स्कूल में शराब बरामद हुई थी वहाँ के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके भाई को अपने पास में बैठाए हुए थे और उन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसिपल पकड़े गए हैं उनके अगर ज़मीन पर उनके मकान में अगर यह शराब बरामद हुआ है, उनके स्कूल में हुआ है, उनके भाई रामसूरत राय के भाई हैं, ऐसे में मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज सुबह में तेजस्वी यादव पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, फिर सदन में पहुंचे, जिसके बाद सत्ताधारी दल के विधायक सदन में जैसे ही पहुँचे उसके बाद से विपक्ष और सत्ता के बीच में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन को स्थगित किया गया। तेजस्वी यादव का आरोप था कि उनके बातों को नहीं सुना जा रहा है और इसी को लेकर वो राजभवन मार्च किए। लेकिन जब सेकेंड हाफ में फिर से एक बार सदन हुआ तो ये नौबत आई जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए और उसके बाद मार्शल जब वहां पर पहुंचे उसके बाद यह पूरा मामला शांत हुआ। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले सदन सुचारू रूप से चल रहा था और अभी जो है वो विपक्ष के नेता वो अभी वॉकआउट कर गए हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो भी आज बजट लाया जा रहा है वो सरकार के जो वायदे किए गए थे वो पूरा नहीं करता है और इसी को लेकर अभी इन लोगों ने वॉकआउट किया है। लेकिन चंद्रमोहन, मसला कोई भी हो, वजह कोई भी हो, ये लोकतंत्र का मंदिर है और ऐसे जगह पर इस तरह की स्थिति चाहे वो विपक्ष की तरफ से बनी हो या सत्ता पक्ष की तरफ से बनी हो शर्मसार कर देने वाली है। लगातार आप नजर बना के रखिए इस मुद्दे पर, हम लौटेंगे आपके पास। और अब बात फिर डराने लगा है कोरोना। दरअसल देश भर में एक बार फिर से कोरोना की वजह से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में करीब 25,000 नए केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद औरंगाबाद में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जबकि नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन की तैयारी है। स्कूल खुलने की वजह से कोरोना का खतरा बच्चों तक भी जा पहुंचा है। सूरत में 82 स्कूली छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज मिले हैं। इस बीच देश में 2,80,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पिछले